डियर स्टूडेंट्स, आज आपको ये रिप्रोडक्शन का अंतिम पार्ट पढ़ाया जाएगा। अब तक जो चल रहा था फ्लावरिंग, ये प्लांट में रिप्रोडक्शन, तो इसकी घटनाएं, कुछ तो घटनाएं होती हैं जो फर्टिलाइजेशन से पहले होती हैं, वो पढ़ा दी गई आपको। कुछ घटनाएं होती हैं जो फर्टिलाइजेशन के समय होती हैं, और बाकी घटनाएं हैं जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली घटना है। क्या क्या इवेंट होती हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, उसके बारे में बताया जाए। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका ये फ्लावर है, उससे जो बनता है, फ्लावर की ओवरी से फ्रूट बनता है और ओव्यूल से सीड बनते हैं। अब उसमें जो जो परिवर्तन होने वाले हैं वो मैं आपको यहां बता रहा हूं, उस पर डिस्कस करेंगे किस तरह से क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो पहले सबसे पहला काम है इसमें कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट सबसे पहले शुरू होता है। सबसे पहले जो डेवलपमेंट है वो एंडोस्पर्म का शुरू होता है। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किस तरह से होता है वो मैं आपको, वैसे तीन प्रकार का है लेकिन एनसीईआरटी में दो प्रकार का एंडोस्पर्म दिया हुआ है, उन दोनों टाइप को बताता हूं मैं आपको। तो पहला है न्यूसिलर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर, पहले न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सबसे पहला न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अभी एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले क्यों हुआ, कारण है जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, जब एम्ब्रियो का विकास होता है तो एम्ब्रियो को पोषण मिलना चाहिए, तो वो पोषण एंडोस्पर्म से मिलता है, क्योंकि एंडोस्पर्म की सेल्स में भोजन एकत्र रहता है। तो इसलिए एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होगा और उसके बाद तब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। पहला एंडोस्पर्म है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियर, यानी कि न्यूक्लियर, शुरू में न्यूक्लियस होंगे सारे। तो जो इसमें एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, सेकेंडरी न्यूक्लियस का जो फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमेट से, तो उससे ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। अब ये ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उससे एंडोस्पर्म का निर्माण होगा। तो अब एंडोस्पर्म, तो सबसे पहला काम, ये जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, तो ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, इसके न्यूक्लियस डिवाइड होंगे पहले, और जितने न्यूक्लियस हैं वो सब डिवाइड होते चले जाएंगे। लेकिन एक बात होगी कि चारों ओर सेल वॉल का निर्माण नहीं होगा, केवल न्यूक्लियस बनेंगे, सेल वॉल नहीं बनेगी। तो सारे डिवीजन माइटोसिस होते हैं, और माइटोसिस डिवीजनों में क्रोमोसोम की संख्या परिवर्तित नहीं होती है, कोई संख्या नहीं बदलती। तो जितना भी आपका एम्ब्रियो सैक है उसमें जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, ये बीच में, तो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पूरे का पूरा ये डिवाइड हो जाए, ये डिवाइड होगा, और डिवाइड होने से इसके अनेक पार्ट, एक से दो, दो से चार, चार से छ, आठ, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, चौसठ, इस तरह होते चले जाएंगे। अब इसमें अंत बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे, और ये सारे न्यूक्लियस जितने भी न्यूक्लियस हैं वो सब परिधि की ओर आ जाएंगे। और एक तो बच्चा आपका ये एम्ब्रियो जायगोट से, एम्ब्रियो जायगोट
एक्साइट में जायगॉट होता है और बाकी इसके सबके न्यूक्लियस बन जाते हैं। जो जितने न्यूक्लियस हैं ये सभी न्यूक्लियस परिधि पर आ जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं सब परिधि पर आ जाते हैं। और बीच में एक वैक्यूल रह जाती है, इसे बोलते हैं हम सेंट्रल वैक्यूल। अब ये सेंट्रल वैक्यूल इसके बाद अब इसमें वाल फॉर्मेशन यानी कि सेल वाल बननी शुरू होती है। सेल वाल इसमें परिधि की ओर से बनना शुरू होती है, पहले परिधि की ओर से बनेगी और फिर धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ती चली जाएगी ये सेल वाल की संख्या। तो सारे जितने भी न्यूक्लियस थे वो सब क्या हो जाएंगे, सबकी सेल बन जाएंगी और बीच का पार्ट ये रह जाएगा खाली, इसमें कुछ तरल रह जाएगा लिक्विड। तो इस तरह के न्यूक्लियस ये बन जाएगा आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ये सारी ये एम्ब्रियो एक तरफ एम्ब्रियो हो जाए बहुत सारी सेल्स सब परिधि के किनारे किनारे हो जाएंगे। इस तरह सारा ये सारे में किनारे किनारे सेल्स आ गई, बीच में सेंट्रल वैक्यूल आ गई, ये आ गया आपका एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो होता है। तो ऐसे जो एंडोस्पर्म है वो एंडोस्पर्म नारियल, अधिकांश इसका अच्छा एग्जांपल है नारियल में मिलते हैं। तो नारियल में ये एंडोस्पर्म बना आपका, क्योंकि आपने नारियल को जब तोड़ के खाया होगा देखा होगा तो नारियल बीच में सबसे बाहर गुदड़ सा होता है, रेशे होते हैं, उन रेशों को खोलते अंदर से निकलता आपका एक कठोर कवच, उसके भीतर की ओर निकलता गोला, तो उसमें बीच में खाली होता है खोखला। तो वो सारा जो भाग है जो उसके अंदर फ्लूड भी होता है वो सब एंडोस्पर्म है, और जो गोले का हम भाग खाते हैं वो सारा भाग क्या कहलाता है, एंडोस्पर्म। उसके एक साइड पर एम्ब्रियो होता है, ये एम्ब्रियो है बाकी सब। तो यहाँ बात आया थी कि गोले का या नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, एंडोस्पर्म खाया जाता है। दूसरा जो आपका एंडोस्पर्म है वो एंडोस्पर्म सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये जो सेलुलर एंडोस्पर्म है इसमें क्या अंतर, इससे थोड़ा सा अंतर है, इसमें सेल डिवीजन जैसे ही होगा जायगॉट सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो इसका डिवीजन जब इसमें डिवीजन शुरू होगा तो डिवीजन हर डिवीजन के बाद सेल वाल बन जाएगी, यानी कि शुरू से ही सेल्स बननी शुरू हो जाएंगी। ऐसे शुरू से ही सेल्स बननी शुरू हो जाएंगी और लास्ट में जाकर पूरे का पूरा एंडोस्पर्म सेल से भर जाता है। बीच में रहता है प्रो एम्ब्रियो,
ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सब में सेल हो जाती है पूरे में। और बीच में ये हिस्सा प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो का मतलब है डेवलपिंग एम्ब्रियो, विकसित होता हुआ भ्रूण। तो ये बन गया आपका प्रो एम्ब्रियो, और ये बाकी सब सेल्स होगी, सब ये एंडोस्पर्म कहलाएगा, पूरा पार्ट एंडोस्पर्म। अब ये दो तरह के एंडोस्पर्म हुए, ये पहले वाले एंडोस्पर्म, ये मिलते हैं गैमोपैटलिक ग्रुप में और ये मिलते हैं पॉलीपैटलिक ग्रुप में। अब बात आती है कि जब इसके आधार पर जिन बीजों में एंडोस्पर्म आखिर तक रहता है, क्योंकि इसमें भोजन इकट्ठा रहता है, तो जिसमें आखिर तक एंडोस्पर्म रहेगा, भोजन एंडोस्पर्म में कद रहेगा, और तो ऐसे बीजों के जो कोटाइलेडन है वो पतले होते हैं, कोटाइलेडन पतले होंगे और फूड किसमें स्टोर होगा, एंडोस्पर्म के अंदर। तो ऐसी स्थिति में एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है, कोटाइलेडन बहुत पतले हुए हैं, और ये जो भोजन है इसका उपयोग जब बीज का अंकुरण होता है उस समय इस भोजन का उपयोग किया जाता है, तो ये बीज कहलाते हैं एंडोस्पर्मिक बीज। एंडोस्पर्मिक बीज के एग्जाम्पल हैं गेहूं है, मक्का है, धान है, अरंडी है, ये सब एंडोस्पर्मिक प्लांट है, एंडोस्पर्मिक सीड है सब के सब ये। अब दूसरे होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, तो चाहे वो नॉन एंडोस्पर्मिक में ये है कि जो भोजन है, फूड है, उसके सारा फूड जब डेवलपिंग एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो के कोटाइलेडन सारे भोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, भोजन एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ये आपका एंडोस्पर्म पतला पड़ जाएगा, क्योंकि भोजन रहा है नहीं, बहुत पतला हो जाएगा, तो ये बिल्कुल एक पतले रूप में, यानी कि बिल्कुल सल्क जैसा रह जाएगा, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, कोटाइलेडन मोटे हो जाएंगे। ऐसे बीज कहलाते हैं नॉन एंडोस्पर्म, यानी कि उनमें एंडोस्पर्म नहीं रहता। तो इसमें आपका जैसे चना है, मटर है, सेम है, ये सब अभी मैंने आपको उसका डेवलपमेंट एंडोस्पर्म का बताया। तो कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जिन बीजों में जो न्यूसिलस होता है उसका कुछ पार्ट शेष रह जाता है, तो जो न्यूसिलस रह जाता है उस वो भी वो पैरी एंडोस्पर्म में बदल जाता है। उसके एग्जाम्पल हैं काली मिर्च है और चुकंदर है। अब जब इसका डेवलपमेंट हो जाता है एम्ब्रियो से आपका एंडोस्पर्म का, उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होता है। अब एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्यों गया, ये डेवलपमेंट उसका हो गया एंडोस्पर्म का, तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट बिल्कुल कंप्लीट होने से पहले ही आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो एम्ब्रियो थोड़ा रेस्ट करेगा, पहले जो जायगॉट है वो पहले रेस्ट करेगा, रेस्ट करने के बाद अपने चारों ओर सेलुलोज की सेल वॉल बना लेगा, और सेल वॉल बनाने के बाद अब उसमें डिवीजन शुरू हो जाएंगे। पहला डिवीजन ट्रांसवर्स होगा, और इस ट्रांसवर्स डिवीजन में ऊपर की सेल जो इसकी जो सेल माइक्रोपाइल की ओर की सेल है वो सेल कहलाएगी ये बेसल सेल, और जो दूसरी सेल है वो सेल कहलाएगी एम्ब्रियोनिक सेल। तो जो बेसल सेल है उससे बनेगा सस्पेंसर, और जो एम्ब्रियोनल सेल है उससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो विकसित होगा। तो बेसल सेल कई तीन चार वो करती है माइटोसिस डिवीजन करती है, माइटोसिस डिवीजन ट्रांसवर्स रूप में होते हैं, और एक ये सस्पेंसर बन जाता है। सस्पेंसर में लगभग 12 सेल होती है,
ये एम्ब्रियो को धकेल देता है एंडोस्पर्म में। अब एंड ये जो आपका एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का एम्ब्रियो में पहला डिवीजन इसमें आपकी एम्ब्रियोनिक सेल थी, पहला डिवीजन हो जाएगा इसमें वर्टिकल यानी कि खड़ा, दूसरा डिवीजन ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद फिर होंगे पेरिक्लाइनल और इस तरह से इसके फिर एनेमी डिवीजन हो जाएंगे और डिवीजनों से इसके बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। ये जो आपका सस्पेंसर बना था, सस्पेंसर की माइक्रोपाइल की जो और की सेल्स है वो होती है हॉस्टोरियल सेल, हॉस्टोरियल सेल की ये कुछ आकार में थोड़ी सी बड़ी होती है और ये चिपकने वाली होती है। तो ये एंडोस्पर्म से भोजन एब्जॉर्ब करती है और इसको पहुंचाती है एम्ब्रियो को, पहले शुरू शुरू में ये पहुंचाती है। और इसमें ये जो निचली वाली सेल होती है वो होती है हाइपोफाइसिस, इसी की सस्पेंसर की जो एम्ब्रियो की तरफ की सेल होती है वो हाइपोफाइसिस होती है। हाइपोफाइसिस से बाद में रेडिकल का जो अपर पार्ट है वो बनेगा। अब ये जो जितना बच्चा ये आपका इसमें दूसरा डिवीजन होगा आपका ट्रांसवर्स, ये बता दिया आपको पहले बताया। अब इसमें अनेक डिवीजन होते हैं और डिवीजनों से इसमें जो जब ये ऑक्टेंट बन जाता है, आठ सेलों का बन जाता है, आठ सेलों में जो सस्पेंसर की ओर की चार सेल हैं वो रेडिकल का निर्माण करेंगी और जो चार सेल दूसरी दिशा की हैं उनसे प्लूमूल का निर्माण, इधर वाली सेलों से रेडिकल यानी कि जो सस्पेंसर की ओर की सेल हैं उनसे रेडिकल और दूसरी दिशा की जो सेल हैं उनसे प्लूमूल का निर्माण होगा। तो यहां तक का निर्माण तो ये चाहे डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो दोनों में लगभग एक जैसा होता है, लेकिन ये बताया कि दोनों में एक जैसा। आगे का डेवलपमेंट लास्ट में जो डेवलपमेंट है वह डाइकॉट का अलग होता है और मोनोकॉट का अलग होता है। तो मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ, डाइकॉट का कैसे होगा और मोनोकॉट का कैसे होगा। तो जो डाइकॉट एम्ब्रियो होता है, डाइकॉट एम्ब्रियो में पहले ही हार्ट शेप हो जाएगा और हार्ट शेप होने के बाद एम्ब्रियो, केवल एम्ब्रियो दिखा रहा हूं इसका, तो इसका एम्ब्रियो इस तरह का हो जाएगा। इस तरह का हो जाएगा। इसमें जो इसके दोनों कोटाइलेडन होते हैं तो दोनों कोटाइलेडन अलग अलग हो जाते हैं और इनके बीच में एक जगह थोड़ी सी रह जाती है, दोनों कोटाइलेडन के बीच में एक कोटाइलेडन है, कोटाइलेडन दो होते हैं इसमें डाइकॉट में, दोनों के बीच में जो थोड़ी सी जगह होती है वो कहलाता है प्लूमूल। और ये पार्ट हाइपोकोटाइल, और इधर रेडिकल। तो इस तरह का ये एम्ब्रियो ये होता है डाइकॉट एम्ब्रियो। और यदि मोनोकॉट एम्ब्रियो बनना है तो डाइकॉट एम्ब्रियो किस किस में होगा, जो डाइकॉट प्लांट है उनमें डाइकॉट एम्ब्रियो होगा, जैसे चना है, जितने भी चना है, मसूर है, उड़द है, लोबिया है, अरहर है, आम, नीम, जामुन, इमली, इन सब में ये डाइकॉट एम्ब्रियो होगा। मोनोकॉट एम्ब्रियो में, मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बताता हूँ, तो मोनोकॉट एम्ब्रियो जो होता है मोनोकॉट प्लांट में होता है उसमें कोटाइलेडन बजाय दो के एक होता है। घास फूलों में भी मोनोकॉट
कोटाइलेशन होता है इसका, तो इसमें ये होगा इसका डेवलपमेंट। मैं आपको इसका एम्ब्रियो का चित्र दिखा देता हूं। ये आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो है। इस मोनोकॉट एम्ब्रियो में एक कोटाइलेशन होता है, इसके कोटाइलेशन को हम स्कूटियोलम कहते हैं। अब इसमें ये इसके एक साइड में, ये एम्ब्रियो प्राय एक साइड में होता है, बीच के अंदर से काटते हैं तो एक साइड में एम्ब्रियो होता है, दूसरी साइड में एंडोस्पर्म होता है पूरे का पूरा, जिसमें भोजन स्टोर होता है। एक साइड में ज्यादातर भाग में एंडोस्पर्म होगा और थोड़े से एक साइड में हटा हुआ क्या होता है आपका एम्ब्रियो होता है। इस एम्ब्रियो में एक स्कूटियोलम या एक कोटाइलेशन, इसी के पास में यह होता है आपका शूट पार्ट। शूट पार्ट यानी कि इससे तने का विकास होगा, प्ररोध तंत्र का। तो इस भाग में जो मध्य में है वो कहलाता आपका सूर्य पैक्स। सूर्य पैक्स के ऊपर एक कोट है, एक कवर है, ये कवर कहलाता है कॉलियोप्टाइल। सूर्य में कवर में होता है, कॉलियोप्टाइल होता है, और नीचे की ओर जो थोड़ा सा हिस्सा बड़ा होता है ये कहलाता है एपिब्लास्ट। दूसरी साइड होती है, दूसरी साइड में रेडिकल होगा, और रेडिकल के ऊपर जो थोड़ा सा कठोर पार्ट होगा वो कहलाएगा रूट कैप, और उसके बाहर की ओर भी एक इसी के कॉलियोप्टाइल की तरह से एक कवर होता है, और ये कवर कहलाता है कॉलियोराइजा। तो ये आपका इस तरह से मोनोकॉट का हुआ, ये डाइकॉट का हुआ। पहला पहला डेवलपमेंट दोनों में एक सा है, और बाद का डेवलपमेंट दोनों में अलग अलग। इस तरह दोनों का सीड फॉर्म ये बन जाते हैं एम्ब्रियो। अब ये बताता हूं कि क्या क्या अन्य परिवर्तन है वो इसमें किस तरह होते हैं, कैसे फल बनता है, कैसे बीज बनेगा। इस क्रिया के बाद, ये क्रिया जब तक चलती रहती है उसी समय तक, इसके निर्माण के समय ही, तो जो फ्लावर होता है, फ्लावर के जो कैलिक्स भाग हैं वो सूख जाते हैं। कुछ एक दो जातियां ऐसी है उसमें कैलिक्स पूरी, जब तक फल रहता है तब तक लगे रहते हैं, उन्हें कैलिक परसिस्टेंट कैलिक्स कहते हैं। जैसे कि बैंगन, मिर्च, टमाटर, इनमें कैलिक्स लगा रहेगा तो वो फलनेसिकुल के जितने भी हैं बाकी के कैलिक्स सूख करके गिर जाते हैं। कोरोला वो भी नष्ट हो जाते हैं, एंड्रोसियम पार्ट वो भी नष्ट हो जाते हैं, उनकी भी आवश्यकता नहीं है। ओवरी जो गाइनेशियम पार्ट है, तो गाइनेशियम पार्ट में भी कुछ परिवर्तन होते हैं, तो जो ओवरी है उससे तो पहली फल का गुदा बन जाएगा, फल बनेगा, और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल हैं उन ओव्यूल से आपके सीड बनेंगे, बीज। तो ओव्यूल में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ओव्यूल में जो कोटाइल, ओव्यूल के बाहर जो इंटेगुमेंट्स हैं वो इंटेगुमेंट्स, बाहरी इंटेगुमेंट टेस्टा बना लेता है, अंदर वाला इंटेगुमेंट टैगमैन बना लेता है। ताकि आपको बाहर वाला जो इंटेगुमेंट है उससे टेस्टा बनेगा, अंदर वाले इंटेगुमेंट से टैगमैन बनेगा, और जो एंटीपोलर सेल्स हैं वो नष्ट हो जाएंगी, वो नहीं रहेंगी उसमें, और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उससे एंडोस्पर्म बन जाएगा, और जायगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, सिनर्गेट्स नष्ट हो जाएंगी, माइक्रोपाइल ही रहेगा अपनी जगह पर वैसे ही रहेगा, और जो फ्यूनिकल है वो भी प्राय कुछ समय बाद नष्ट होने लगता है। तो इस तरह एक पूरा फल और बीज इसमें आपस में बन जाता है। तो फल बन गया, बीज बन गया। एक चीज में थोड़ी सी आगे समझाता हूँ आपको, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या है, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? एपोमिक्सिस का मतलब होता है एपोमिक्सिस जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाए तो वो कहलाता है एपोमिक्सिस।
इसके कुछ कारण है एपोमिक्सिस के, जिन कारणों से एपोमिक्सिस हो जाती है, या तो जो इंटेगुमेंट है उनसे एम्ब्रियो बन जाएगा, न्यूक्लियस से बन जाएगा, जो स्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस डिवीजन ना हो तो सारी सेल डिप्लोइड हो जाएंगी और उसी से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। तो ये एपोमिक्सिस होता है। एक चीज होती है पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी ये कहलाती है। पॉली मतलब अनेक, जब एक ही सीड के अंदर अनेक एम्ब्रियो बनते हैं तब वो कहलाता है पॉली एम्ब्रियोनी। बीज एक होगा लेकिन एम्ब्रियो उसमें अनेक होंगे, जैसे कि नींबू होता है, आम होता है, इनमें पॉली एम्ब्रियो होती है। तो पॉली एम्ब्रियोनी जो देखने को मिलती है जंतुओं में नहीं, बहुत कम मिलती है। पॉली एम्ब्रियोनी प्राय किसमें मिलती है, पौधों में अधिक होती है और उसके लाभ भी मिलते हैं पौधों को। तो एक सीड में अनेक एम्ब्रियो का होना पॉली एम्ब्रियोनी होती है। अब ये पॉली एम्ब्रियोनी या तो सिंपल होगी, फिर मिक्स्ड होगी, या एडवेंटिशियस पॉली एम्ब्रियोनी होगी। तो ये आपका इस तरह से आज आपका ये फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन फिनिश होता है। अब कहीं किसी को दिक्कत होगी तो जो मेरा मैंने इसमें पीडीएफ दिया है उस पीडीएफ में इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। पीडीएफ को ध्यान से पढ़ें, देखें, उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब अगले नंबर पर आपको जो एनिमल्स मानव में रिप्रोडक्शन है वो पढ़ाया जाएगा। प्लांट का रिप्रोडक्शन यहाँ पर फिनिश होता है। तब तक